हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी गोभी के व्हाइट कोरमे की रेसिपी। ये बनाना भी आसान है लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल का बटन होता है, उसे क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसके लिए मैंने इधर गोभी ले लिया है। गोभी को मैंने अच्छे से साफ़ करके उसको बड़े बड़े इस तरीके से पीसेस में कट करके रख लिया है। एक बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिया है और प्याज को मैंने पहले से बॉयल करके रखा है। 15 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लेना है। इससे जो ग्रेवी का कलर है वो वाइट होगा और ग्रेवी भी अच्छा बनेगा। इधर 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है। 3 चम्मच मैंने चारमगज़ लिया है। इसकी जगह पर आप 6 से 7 काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 बड़े चम्मच दही ले लिया है। तो सबसे पहले जो मगज़ या काजू आप जो भी ले रहे हैं उसको पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए पेस्ट रेडी हो गया है। अभी इसमें जो प्याज है इसको पेस्ट कर लेंगे और आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची भी एक साथ पीस सकते हैं। तो प्याज का पेस्ट भी रेडी है। इधर मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच के करीब ऑयल ले लिया था। ऑयल जब गर्म हो जाए तभी इसमें गोभी को हम लोग फ्राई कर लेंगे। मैं इधर शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए गोभी को हल्का हल्का फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो ग्रेवी का जो कलर है वो अच्छा वाइट नहीं आएगा। गोभी को निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में मैं और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूंगी। तो इसमें अभी खड़े मसाले डालेंगे, 2 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 1 तेजपत्ता, 5 से 6 काली मिर्च और 3 से 4 लौंग डाल देंगे। अभी खुशबू आने तक भूनेंगे, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। जब इसका स्मेल ख़त्म हो जाए तभी इसमें पिसा हुआ प्याज का पेस्ट डाल देंगे। क्योंकि प्याज जो है वो पहले से बॉयल किया हुआ है तो इसको बहुत देर तक नहीं भूनना है। 4 से 5 मिनट इसको मैंने भून लिया है। अभी इसमें जो मगज का पेस्ट है वो ऐड कर देंगे और उसके बाद ही इसमें दही भी ऐड कर देंगे। और दही को बिल्कुल अच्छे से फेंट के उसके बाद ऐड करिएगा, नहीं तो दही जो है वो फट सकता है। तो तुरंत इसको चला लेंगे, नहीं तो दही फट सकता है। अभी इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले डालेंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में काली मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है। तो इसे डाल के इसको भूनेंगे। देखिए ये भून चुका है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अभी इसमें गोभी ऐड कर देंगे। अभी स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अभी थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको मैंने भून लिया है। अभी इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना आपको ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे, क्योंकि गोभी जो है वो कच्चा है, उसको बॉयल करना है। तो अभी इसको ढक के पकाएंगे जब तक ना गोभी बॉयल हो जाए। बीच बीच में इसको खोल के चला लीजिएगा, नहीं तो इसमें मगज है तो ये नीचे से चिपक सकता है। फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ढक देंगे। उससे पहले मैंने इधर थोड़ा सा किशमिश भी ऐड किया है। तो देखिए गोभी जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। आप चाहे तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं। इधर मैं हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार। आप चाहे तो प्याज के साथ भी हरी मिर्ची को पीस कर डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने घी डाला है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा चीनी।
क्योंकि इसमें दही डाला है तो स्वाद को बैलेंस करने के लिए चीनी डालना ज़रूरी है। अभी इसको मिक्स कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी है। अभी गैस को बंद करके इसको 3 से 4 मिनट ढक के रखेंगे, उसके बाद इसको सर्व कर देंगे। और सर्व करते टाइम इसमें थोड़ा सा तला हुआ प्याज और ऊपर से थोड़ा सा फ्राई किया हुआ किशमिश डाल देंगे। आप चाहे तो काजू को भी हल्का सा भून के इसमें डाल सकते हैं। ये रेडी हो गया है गोभी का वाइट कोरमा। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।